नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मौसमी। आपको मौसमी क्विज़िन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे कूल की चटनी। इसके लिए हमने 300 ग्राम कूल लिया है, इसको बोर भी बोलते हैं। चीनी लिया है हमने 200 ग्राम, दो सूखा मिर्च लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, तेल हम एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और हमने राई लिया है 1/4 चम्मच। सारे कूल को हम पहले तोड़ लेंगे इस तरह से। सारे कूल को हम इस तरह से तोड़ देंगे, इसकी वजह से हम जब चटनी बनाएंगे तो मीठा इसके अंदर तक चला जाएगा। चटनी बनाने के लिए गैस चालू करके कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। इसमें एक चम्मच तेल दे देंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल अभी गर्म हो गया है, इसमें सूखा मिर्च दे देंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। सूखा मिर्च अभी हमारा फ्राई हो गया है, इसमें हम राई दे देंगे। अभी राई हमारा चटकने लग गया है, अभी हम जो कूल है उसको डाल देंगे। मिक्स करेंगे, अभी हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। दोनों चीजों को बोर के साथ अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हम एक ग्लास पानी ऐड करते हैं। इधर मिक्स कर देंगे, इसके एक बॉल तक अभी हम छोड़ देते हैं। अभी चटनी में उबाल आ चुका है, अभी हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। एक बार मिला देंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और चटनी को हम पकाएंगे। चटनी को हमने 10 मिनट तक कुक कर लिया है। चटनी हमारा बनके तैयार हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और कूल की चटनी को हम सर्व कर लेंगे। कूल की चटनी को हमने सर्व कर दिया है, आप इसको जरूर ट्राई करना। आपके अनुभव इमोशंस को इस दिन में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए और रेसिपी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।